तुम है किसी के प्यार में सीरियल में अब नया ड्रामा शुरू हो गया है। हनी को होश आने के बाद कहानी अब उल्टी पड़ गई है। जहां रीवा और ईशान की शादी होने वाली थी तो अब एक बार फिर इसमें अड़चन आ गई है। दरअसल ईशान सभी और हनी को अपने घर ले जाने के लिए सबको घर पर मनाता है। वो रीवा से भी इसके बारे में डिस्कस करता है। वहीं रीवा के माता पिता ईशान के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आते हैं और रीवा को अपने साथ ले जाने पर अड़ जाते हैं। ईशान अपने परिवार और रीवा को जवाब देता है कि इस बार वो उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन सभी और हनी के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। ईशान कहता है कि वो उन्हें घर लाने जा रहा है, लेकिन वो ऐसा तभी करेगा जब रीवा इसके लिए सहमत होगी। इधर नर्स हनी को बताती है कि सभी और ईशान के बीच बहुत झगड़ा हुआ था। वो बताती है कि सभी भी अपना बैग लेकर अस्पताल आई थी क्योंकि सभी और ईशान के बीच काफी झगड़ा हुआ था। हनी सभी से इसके बारे में पूछती है पर वो बात घुमा देती है। इधर सभी हनी को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रही होती है, तभी हनी के हाथ सभी का मंगलसूत्र लग जाता है जिससे वो बहुत नाराज नजर आती है और आखिरकार सभी से पूछ लेती है कि तुम लोग मुझसे कब तक झूठ बोलोगे। दूसरी ओर स्वानंद स्वाति से कहता है कि रीवा ने ईशान की इच्छा मानकर गलत किया और कहा कि वो रीवा से बात करेगा। स्वाति ने उससे अपनी गलती ना दोहराने के लिए कहा। वो उससे रीवा के फैसले का समर्थन करने के लिए कहती है। स्वानंद कहता है कि मैं एक महीने के अंदर सभी और ईशान का तलाक करवा दूंगा। उधर सभी हनी को सारी बातें बता देती है और शुक्ला अंकल से एक घर ढूंढने के लिए कहती है क्योंकि वो हनी को चाय की दुकान पर नहीं रख सकती। जिसके बाद ईशान के आते ही हनी उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती। इसके अलावा वो ईशान से माफी भी मांगती है। वो कहती है हमने आपको रीवा मैम को बहुत तकलीफ दी, अब और नहीं कर सकती। वहीं ये सब सुनकर ईशान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सभी की ओर काफी गुस्से में देखता है। वो सभी से कहता है कि आखिर तुमने बता ही दिया, तुमसे थोड़ा सा भी सब्र नहीं हुआ, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो तुम क्या करती। सभी कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन हनी कहती है कि उसे मंगलसूत्र की वजह से सब पता चला है। हनी उसे बताती है कि सभी ने सच नहीं बताया है, मैंने देखा कि सभी का मंगलसूत्र टूटा नहीं था, फिर मैंने सभी का सामना किया और सच्चाई जान ली। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईशान क्या ऐसे ही हनी और सभी को जाने देगा या फिर उन्हें अपने साथ रखने के लिए मनाएगा। जो भी हो, आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है।